तो आज हम बनाएंगे ढोकला और ये किस चीज का बना है आगे आपको हम बताएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये रेसिपी जो है जिनको तेल मसाला नहीं खाना है सुबह के नाश्ते में ये परफेक्ट है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम ले लेंगे एक कटोरी में एक कटोरी बेसन ले लेंगे। आप किसी चीज से भी ले सकते हैं, कटोरी या कप से। तो इसको हम छान लेंगे अच्छे से ताकि बेसन में कुछ भी रहे तो वो निकल जाए। तो यहाँ देखिए हम छाने हैं तो कुछ भी निकला नहीं, लेकिन फिर भी छान लीजिएगा। फिर उसके बाद एक बाउल में ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे देखिए यहाँ थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा ही नमक डालेंगे और यहाँ पे पीसी हुई चीनी जो है हम आधा चम्मच ले लिए हैं। तो आप जो है पीसी हुई चीनी नहीं है तो आप साबुत चीनी भी ले सकते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम घोल जो है अच्छे से तैयार करना है। तो इसी तरह से आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अच्छे से मिल गया है। तो अभी इसमें थोड़ा सा और पानी जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं आधा नींबू, अगर नींबू आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। तो नींबू डाल के मिला लेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें हमें और जो है जरूरत था तो हम मिला लिए हैं डाल के, और देखिए इस तरह का बैटर चाहिए। फिर उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे केक वाला एक जो सांचा होता है मोल्ड होता है वो, उसमें तेल की कुछ भी लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद हम बेसन में एक पैकेट इनो डालेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि देखिए अच्छे से फेंट जाए, ताकि ये जो है झाग इसमें अच्छे से आ जाना चाहिए। और इस मोल्ड में जो है हमको डाल देना है। डालने के बाद इधर देखिए कढ़ाई में हम पानी डाल देंगे और पानी में जब बॉयल आएगा तभी इसको रखना है और ढक देना है। 15 से 20 मिनट तक हमको इसको जो है पकाना, और बीच में एक बार भी इसको आप लोग नहीं देखिएगा हटा करके। फिर इसको चेक कर लीजिएगा, चाकू से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो है बन के तैयार हो गया ढोकला। इसको ठंडा करके निकाल लीजिएगा और गैस का फ्लेम फ्रेंड आप लोग जो है हाई टू मीडियम के बीच में रखिएगा। तो ठंडा करके निकल गया है और इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपको देखने में लग रहा हो कि कितना ये जो है जालीदार हमारा जो है ढोकला बना हुआ है। आप इसको कट कर लीजिए इसी तरह से जैसे मैं कट कर रही हूँ। आप इसको कटोरी में भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे कढ़ाई लेंगे, एक चम्मच तेल डालेंगे, तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम सरसों डालेंगे काला वाला, हरी मिर्च 2 से 3 डाल देंगे, करी पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक चम्मच चीनी, थोड़ा सा यहाँ नमक, और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो ढोकला कटा हुआ है इस पे हम डाल देंगे। तो जितना पीस है सभी पे ये जो है पानी जरूर आप लोग डालिएगा। इस तरह से देखिए हमारा ढोकला जो है झटपट से बनके तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी रेसिपी। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।